यार ये कॉपली है, कप में अंडा डाला है, दूध, डबल रोटी डाल रहे हैं इसके अंदर। एक ही डाली है ना डबल हाँ रोटी? ये चम्मच और ये ओवन। मेरे ये मजे यार का केक तैयार हो गया यार, बना। ये फिट है काम। एयर ग्लोबल फैमिली हम लोग ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो वैसे भी बनाना नहीं आया ना केक, कभी घर में बनाया ही नहीं हमने बनाया ही केक। नहीं हमने कभी। एक बार बस वो जो है ना पिज्जा का ट्राई मार लिया था, उसकी भी ऐसी की तैसी की थी, वो भी नहीं सही बना था। ऑलमोस्ट सही बन गया था। तो अगर ये ज्यादा तरीका जो है ना ये टीका कर इसमें केक बन जाता है तो मजे का केक बनेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं ट्राई, कैसे चलते हैं किचन में अंदर। जी तो डियर कोको फैमिली आ जाए किचन में चलते हैं। तो मैम साहबा पहले पहुंचे हैं किचन में, ये सामान रेडी। कप में अंदर ही बनाए यार हवा है। इस ये दूध दूध इतना बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध पहले ही अंडा ये डाला, पहले अंडा डालना था एक मैंने, ही दूध बात है। डाल दिया। चलो एक इसके अंदर अंडा फेंटो ध्यान से। यार अंडा कितनी देर अंडा में? फेंट देना इसके अंदर ऐसे, दूध के अंदर अच्छी तरीके से। स्लाइस डालो, ब्रेड स्लाइस। पहले चीनी ना डाल के अलग से मिक्स कर लो हाँ उसमें। चलो चीनी डालो पहले थोड़ी सी। क्या कहते हो बनेगा? हाँ बन जाएगा हाँ इंशाल्लाह। चलो करते हैं ट्राई। एक चम्मच एक चम्मच डालो बहुत है, एक उसमें, चम्मच एक बहुत चम्मच है। डालो उसमें। चलो ब्रेड डालो। ब्रेड के कितने स्लाइस डालने हैं? ब्रेड के उन्होंने तो एक डाला था, मुझे लगता है हमारा दूध ज्यादा है तो चलो हम, दो डाल दो, दो डाल नहीं दो दो ज्यादा हो जाएंगे, 1.5 यार। बने डालेंगे। तो सही ना, कुछ केक तो बने। लाइक देखा तो उसने किस तरह केक बनाया हुआ ज्यादा हो था। जाएगा ना, मैं बता रही हूँ ना दूध अच्छा कितना, ऊपर जाना इसके बस ऊपर इसमें अच्छी हम तरह बैठ जाए, मतलब सारा डिप हो जाए इसमें फिर ऊपर तक। दो डालो और ऊपर जो है हल्का सा एक बनाना का स्लाइस काट के डाल देते हैं ऊपर। नहीं नहीं ऊपर बाद, वो बाद में डालते हैं वरना वो हाँ खराब हो जाएगा, चलो एंड डाल, में डालते हैं। बस हो गया होगा मिक्सअप। ये लगाओ ब्रेड, चीनी मिक्स नहीं हुई है, मिक्स करने में। ये चीनी हो गई मिक्स। अब डाल रहे हैं हम ब्रेड स्लाइस टू योर फैमिली। तो इसके अंदर दो डाल दो यार, ताकि पूरे का पूरा मैं दूध तो देख ये ना लेती सेक हूँ कर कितना लेना ये। लगेगा, हाँ छोटे छोटे टुकड़े करके डाले थे ना उसमें। छोटे छोटे ऐसे ही फिर चम्मच के साथ मिक्स कर देना ना अच्छे तरीके से। पहले थोड़े छोटे छोटे टुकड़े डाल दो, फिर उसके बाद चम्मच के साथ मिक्स कर देना। हाँ अच्छी तरह उसको ना हाँ कर लिया। मैं इसको जो है ना साथ साथ डिप करता था, ताकि जो है ना दूध सक कर ले ये। यार ये एक और मसला ना करे यार मामा, जब ये इसके अंदर बनेगा तो मैं कहता हूँ कब से बाहर ना आ जाए कहीं ये केक। क्यों बात कर रहे हाँ हैं, बात तो है हाँ करना है इसको कितना होता ये देखो बस इतना बहुत है। मैं कहता ऊपर तक हूँ भर गया, बहुत है यार, मैं कहता बस हूँ बर्तन यही है छोटा बस। है, बर्तन नहीं छोटा बस नहीं। बस ठीक है काफी। हाँ देखो क्या होता है, मुझे मिक्स करनी है मुझे। यार मैं कहता थोड़ा सा और डाल लो इसके अंदर, ताकि जो है ना वो सारे के सारा दूध सक कर ले ब्रेड। वो वाला भी स्लाइस जो एक छोटा टुकड़ा पड़ा हुआ ना ये नहीं भी डाल लो। ज्यादा हो जाएगा, हाँ ज्यादा हो जाएगा। चलो इसी को मार दें ट्राई। चलो लगाओ इधर ले आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहता था यार दूध शायद ज़्यादा है, दूध इसमें थोड़ा और ब्रेड डालो। उसने बिल्कुल ज़्यादा ब्रेड डाला हुआ था, इसमें और ब्रेड डालो। ये दूध जो है ना ब्रेड सारे का सारा सक कर ले आपस में। अभी वो ऊपर नहीं आएगा, ये इतने इतना ही रहेगा ये। बिल्कुल और डालो ब्रेड, ताकि सारे का सारा दूध को सक कर बस ले ब्रेड। आंगी बस बस, ये सारा ये ओवन में भी जाके ना ये सारा वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा दूध। यार मैं कहता हूँ बाहर ना निकला है कब से। चलो चलो लगाओ पता नहीं क्या चीज बन गई है। ठीक है ओके। कितने मिनट पर दो लगाऊं? मिनट का सेट करो, हाँ 2 मिनट का सेट करो। ठीक है। ये जल पड़ा यार, बाहर ना निकले अभी। ये तो डियर ग्लोबल फैमिली हम लोगों ने ओवन में लगा दिया कप को, तो तकरीबन 2 स्लाइस डाले हमने, दो दो हाँ, डाल दिए, एक अंडा और जो है ना एक मग में अंदर जो है ना तकरीबन 1 कप दूध का डाला छोटे वाला, और 2 स्लाइस ब्रेड डाल दिए हैं, और उसको अब 2 मिनट के लिए लगा दिए ओवन में। तो देखते देखते हैं हैं। कैसा बनता है केक। बस 2 मिनट तकरीबन अभी हो जाएंगे थोड़ी देर में, तो निकालते हैं चेक करते हैं कैसा बनता है। मुझे बस यही डर है कि यार वो जो है ना कहीं वो ब्रेड फूल के जो है ना कप से बाहर ना आ जाए, वो चेक करते हैं हम, देखते क्यों हैं बाहर क्या नहीं बनता है। आएगा? अंडे की वजह से? मैं वही अंडा भी बनेगा, जहरी बात है, पीछे ऊपर से थोड़ा स्पेस बिल्कुल कम ही था, वो जैसे केक बने तो ऐसे पता लगे बाहर आ गया ओवन के अंदर। हमें चेक थोड़ा करते बनाना हैं चाहिए था कि अगर देखते बाहर हैं क्या से आए तो बनता कब है। के अंदर से आता।
अभी तक चल रहा है ना, बाहर तो नहीं आया ना कोई बन के केक को। नहीं अंदर भी नहीं बना। अभी एक मिनट हो गया, अंदर भी नहीं बना कुछ। हाँ अंदर भी नहीं बना कुछ, कुछ भी नहीं। हाँ अभी वो कप ऐसे ही घूम रहा है ना। ये डेयर ग्लोबल फैमिली, बस 5 4 3 2 1 क्लोज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल जैसिम सिम यार है ना, वो बन रहा था यार, वैसे बन रहा था है ना, नहीं बन रहा था। एक मिनट और लगाते हैं, बन रहा है। ये डेयर ग्लोबल फैमिली 2 मिनट लगाए हैं हमने, इतना एक बन गया। एक मिनट और लगाते हैं, आप एक मिनट और सेट। ये हमने 2 मिनट का टाइम दिया है तो एक्सपेरिमेंट जो है ना तकरीबन काम कर रहा है। तो हमने 1 मिनट और ओवन में लगाया, तीन मिनट लगाया उधर, हमने देखा था 2 मिनट लगाया था हम लोगों ने, हम 3 मिनट के लिए लगा रहे हैं। होप्स हो के जो है ना 1 मिनट और देने के बाद अंडा भी बिल्कुल बन जाएगा और जो है ना केक भी हमारा, क्योंकि डबल थे, 2 ब्रेड थे, उन्होंने एक ही ब्रेड डाला था। हाँ और उनका दूध भी कम डाला था, दूध भी काफी कम, हमने दूध कम नहीं डाला, दूध ज्यादा डाला था और साथ में ब्रेड भी स्लाइस भी 2 किए थे हमने, इसलिए तो ना हम टाइम भी ज्यादा दे रहे हैं। तो सतह बन जाएगा फैमिली, ये हो गया टाइम कम्प्लीट 1 मिनट और। तो अब हम खोल रहे हैं ओवन। वाओ यार फिट है यार एक्सपेरिमेंट, कपकेक रेडी है। कपकेक वो तो खा के पता चलेगा, कपकेक गरम है। ध्यान से हाथ पे लगा लिया फ्लोटून, चेक करो। नहीं जी। तो डियर फैमिली हम लोग आ गए पवेलियन में वापस एक्सपेरिमेंट के बाद भी। तो ये कपकेक यार कप भी गरम है, तो जो है ना इसको करते हैं हम टेस्ट। दिखाओ से ऊपर से जी, यार कप गरम है यार। वाह भी ये जो है ना कपकेक के ऊपर जो है ना अभी बनाना स्लाइस लगाए हुए हैं और साथ में जो है ना बेगम साहिबा ने ऊपर जो है ना ये जो है ना पोमोग्रेनेट के जो है ना लगा के बिल्कुल शेप सी दी हुई है। ये नीचे ये नीचे वाला जो है ना ये देखें बिल्कुल ये कपकेक नीचे रेडी है। इसके अंदर हमने एक अंडा डाला था, दूध और साथ में जो है ना ब्रेड के स्लाइस डाले थे। ये बिल्कुल बिल्कुल केक का केक बना हुआ है, ये देखें फिट रखे। इसको आप चखते हैं, बिल्कुल प्यारा बना है, चख के देखते हैं कैसा बना है अब ये। ये डेयर ग्लोबल फैमिली, ये वही फर्स्ट बाइट हमेशा की तरह अपनी ग्लोबल फैमिली याद हो गया भाभी अब जो डेयर ग्लोबल फैमिली के नाम। यार ये ना आला लेवल बना यार। अच्छा वो गरम गरम था ना, गरम गरम के ऊपर जैसे बनाना स्लाइस लगाया ना, बनाना स्लाइस का भी बीच में जो ना फ्लेवर शो हो रहा है, उसका टेस्ट भी आ रहा है फ्लेवर का। अच्छा इसका एक ये है अभी गरम गरम है ना, लाइक अगर हम इसको फ्रीज करके ठंडा करके खाए ना ये और भी मजा करेगा। बहुत अच्छे देखो अभी गरम है था। कैसा अच्छा टेस्ट आ रहा है, गरम है गरम है अभी। डेयर फैमिली लाइक दैट, जैसा कि मैंने बोला ना इसको वाकई फ्रीज करके खाना चाहिए। इसको जो है ना जैसे हम बना रहे हैं ऐसे, उसके बाद इसको करें फ्रीज, फ्रीज करके ठंडा ठंडा खाएं और हल्का सा ड्राई फ्रूट है तो ड्राई फ्रूट लगा लें, अदरवाइज जो है ना आपके पास फ्रूट है तो वो ऊपर लगा लें। मजे का बना इसका पैन जो है ना, अभी वैसे हम कप में ट्राई किया था, इसका एक प्रॉपर एक पैन के अंदर जो है एक बर्तन के अंदर बनाया बिल्कुल शेप के साथ, बिल्कुल VIP बनेगा। तो डेयर फैमिली इस एक्सपेरिमेंट में भी हम जो है ना कामयाब रहे। होप्स हो कि आपने भी हमारे साथ इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच आप सबके ढेर सारे प्यार और ढेर सारे मोहब्बत का। तो इस मेमोरी को भी हम यहीं पर लॉग करते हैं, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मेमोरी एक फ्रेश व्लॉग में। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त, अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक ने कहा।